हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बिल्कुल ही नई जानकारी देने जा रहा हूं, जो जानकारी है ग्रास वैली के ईडीएस सॉफ्टवेयर के बारे में। आप सभी ने सुना ही होगा कि हाल ही में 15 सितंबर 2020 को ग्रास वैली ईडीएस ने अपना नया वर्जन ईडीएस एक्स लॉन्च किया है, जिसे हम ईडीएस 10 भी कहते हैं। अब आज वीडियो में हम ये जानेंगे कि ईडीएस एक्स में कंपनी ने क्या नया दिया और आप उसे कैसे ले सकते हैं, पुराने लोग उसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईडीएस में नए फीचर्स क्या क्या ऐड हुए हैं। शायद मैं आपको वीडियो में इस तरह से नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ईडीएस एक्स जो है वो इंस्टॉलेशन करने के लिए विंडोज 10 का 1903 वर्जन ही चाहिए। फिलहाल मेरे मशीन में वो नहीं है, लेकिन मैं उसमें जो अपडेट्स जो आए हैं वो वीडियोज में आपको, कंपनी के जो वीडियो है उन्हीं वीडियो के ऊपर आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं। तो सबसे पहले जो अपडेट्स जो है उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो ईडीएस एक्स में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो थी वो थी रेंडरिंग, मतलब कि बैकग्राउंड रेंडरिंग। ईडीएस में जब हम काम करते हैं तो टाइमलाइन पे हमारे जो वीडियोस जो है वो हम ऊपर, जैसे कोई भी वीडियो रियल टाइम प्ले नहीं होता है तो उसके लिए ऊपर उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे रेड कलर हो जाता है। आप टाइमलाइन पे कोई भी वीडियो 9 में या 9.5 तक जो वर्जन आते थे उसमें डंप करते थे, तो जो वीडियो नेटिव सपोर्टेड नहीं है या नेटिव सपोर्टेड है और उसमें अगर हमने थर्ड पार्टी प्लगइन कोई भी लगाया है तो ऊपर उसका रेंडरिंग रेड कलर का हो जाता था, मतलब कि वो हमें प्रीव्यू नहीं दे पाता था। तो उस चीज को ईडीएस एक्स में सेट किया गया है। उस चीज को अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड रेंडरिंग मोड में डाल दे तो वो बैकग्राउंड में रेंडर होता जाएगा। उसका मैं सैंपल वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इस टेक्नोलॉजी को कंपनी ने नाम दिया है XRE। फायदा क्या हुआ है कि जैसे आप एक सीक्वेंस में आप काम कर रहे हैं तो उस सीक्वेंस का काम आपका एडिटिंग कंप्लीट हो गया है, और उस कंप्लीट एडिटिंग को अगर आप रेंडर क्यू में लगा देते हैं, पहले भी पुराने वर्जन में भी रेंडर क्यू आता था, तो रेंडर क्यू में लगाने के बाद हमें वेट करना पड़ता था, तो हम उस टाइम पे ईडीएस सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर सकते थे। जबकि ईडीएस एक्स में क्या हुआ है कि आपने एक सीक्वेंस जैसे रेंडर में लगाया तो रेंडर में लगाने के बाद आप दूसरे सीक्वेंस में एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जब एडिटिंग आप कर रहे हैं तो उसी चीज, उसी समय के दौरान आपका बैकग्राउंड में रेंडरिंग का काम भी हो जाता है। ये फैसिलिटीज ईडीएस 9 के अंदर या ईडीएस 9.5 में वर्क ग्रुप वर्जन में आती थी, लेकिन वो कैसे था कि सर्वर बेस्ड था, तो उसके लिए रेंडर मशीन जो था आपका थर्ड पार्टी, जैसे सर वर्क ग्रुप में क्या होता है 10 लोग 12 लोग 15 लोग काम करते हैं, तो उसमें एक सर्वर अलग से रेंडर के लिए डिजाइन हो जाता है जिसमें लोग काम करके अपना रेंडरिंग उस सर्वर को दे देते हैं। वही यूटिलिटी अभी कंपनी ने इसमें भी दे दी है। तो ईडीएस एक्स जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका बैकग्राउंड रेंडरिंग का वर्क चालू हो जाता है, जिससे कि आपका काफी टाइम सेव हो जाता है। यहां पे देखिए, जैसे हमारा एक सीक्वेंस बना हुआ है, ये वीडियो EDS.net के ट्यूटर में से लिया हुआ है। इस सीक्वेंस को हम H.264 में रेंडर में लगाते हैं। ये मैंने एक्सपोर्ट किया, यहां पे हम फाइल को नाम दे देते हैं। अब ये जो रेंडर हो रहा है उसी दौरान आप दूसरी सीक्वेंस में काम भी कर सकते हैं, और उस सीक्वेंस को भी अगर आप रेंडर करना चाहें तो रेंडर कर सकते हैं। यहां पे हम दूसरी सीक्वेंस को भी रेंडर में लगा देते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरा सीक्वेंस भी रेंडर हो रहा है। अब ये जो रेंडरिंग का जो वर्क है इसे हम जीवी जॉब मॉनिटर की मदद से देख सकते हैं, जो टूल्स मेनू में अवेलेबल है, और इसके दौरान आने वाली कोई भी एरर्स आपको विंडोज 10 के नोटिफिकेशन में दिखाई देगी, जिसमें आपकी इंटेल की क्विक सिंक टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, तो आपका रेंडरिंग भी फास्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कुछ 8K के फॉर्मेट के वीडियो है, 6K के फॉर्मेट के वीडियो है, उनको आप कन्वर्ट करके यूज करना चाहते हैं, काफी बार हम प्रॉक्सी मोड में एडिटिंग करते हैं, तो प्रॉक्सी मोड में जब हम काम करते हैं तो उस टाइम पे वो बैकग्राउंड रेंडरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये बैकग्राउंड रेंडरिंग की मदद से प्रॉक्सी मोड में रियल टाइम वो रेंडरिंग करता रहता है, तो आगे आप उन्हीं वीडियो को यूज करके काम कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है बैकग्राउंड रेंडरिंग का। दूसरा, इसमें कंपनी ने एड किए हैं ऑडियो VST प्लगइन्स। ऑडियो VST प्लगइन्स, VST प्लगइन पहले फीचर आता था, आप थर्ड पार्टी VST प्लगइन इसमें डाल सकते थे, लेकिन अभी ईडीएस एक्स में कंपनी ने खुद ने ऑडियो के प्लगइन बंडल कर दिए, जिसके अंदर आपको ऑडियो का डीनोइज प्लगइन, माइक डिस्टेंस प्लगइन,
तो ये सारी चीजें कैसी है, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें आपके कैमरे के अंदर हमिंग आ गया है, पंखे की आवाज आ गई है, तो ये सारी आवाज सिंपल एक ही प्लगइन से आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। इसका भी डेमो में आपको प्रैक्टिकली कंपनी ने जो दिए हुए उन्हीं वीडियोस में आपको मैं दिखा देता हूं। अभी के समय में आप देखते होंगे कि ज्यादातर काम वीडियो के थ्रू होता है, बहुत सारी कंपनी के प्रेजेंटेशन वगैरह का शूट भी कैमरे के थ्रू या मोबाइल के थ्रू हो जाता है। इस दौरान कंपनी या किसी पर्सनल ट्यूटर के पास इतने कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, तो वो कैमरे का ही ओरिजिनल माइक यूज कर लेते हैं या मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्डिंग हो जाता है। यहां पे हमारा एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है, वो हम देखते हैं, उसमें जो भी नॉइज आया है तो उसको हम डी नॉइज ईई प्लगइन की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन हम प्ले करके देखते हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक एट द सेल्स फिगर्स। As you can see, we're still growing. There was a drop in the hardware section this year, obviously, but this was compensated by quite. अब देखिए, इसके अंदर जो भी पंखे का या आजू-बाजू का एनवायरनमेंट का नॉइज आया है, उस नॉइज को निकालने के लिए हम डी नॉइज ईई प्लगइन लगाते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। An increase in the software area and also in the service area, which is often quite underestimated, there was an increase. So all in all, we have had quite a good quarter this year. आपने देखा कि ये प्लगइन लगाने के बाद ऑडियो पूरा ही कंप्लीट क्लियर हो गया है। प्लस माइक में कभी कभार आप बोलते हैं तो माइक से जैसे ही आप डिस्टेंस पे जाते हैं तो आपकी आवाज दब जाती है, तो उस आवाज को अगर आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है तो वो प्लगइन का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। तीसरी फैसिलिटी है सीमलेस ट्रांजिशंस। हम आपने देखा होगा कि प्रीमियर के अंदर हम रेडीमेड ट्रांजिशंस लेके आते हैं, तो वो ट्रांजिशन जैसे अलग से आपने सीक्वेंस ऐड किया, फिर उस हिसाब से आपने एडजस्टमेंट लेयर में उसको डाला, फिर वीडियो उसके हिसाब से आपने चलाया, तो इस टाइप के रेडीमेड करीब 200 से ज्यादा, करीब 221 या ऐसे कुछ ट्रांजिशंस कंपनी ने इसमें ऐड कर दिए, जो सीमलेस ट्रांजिशंस की जो अभी डिमांड है मार्केट में, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, तो उस टाइप के सीमलेस ट्रांजिशंस कंपनी ने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद है वीटा सिंह का वर्जन 4.0 भी इसमें बंडल किया गया है, प्लस टाइटल प्रो 7। आज तक जो हमें मिल रहा था वो टाइटल प्रो 5 था, इसके अलावा हम न्यू ग्लू टाइटलर इसमें ऐड करके चला देते, तो इसके अलावा इसमें टाइटल प्रो 7 नया इसमें ऐड किया है, जिसके अंदर आपके रेडीमेड टाइटल के लेआउट दिए हुए हैं, 3D टाइटल्स के लेआउट दिए हुए हैं, प्लस नीचे जैसे न्यूज वगैरह में हम सब टाइटल्स के हिसाब से यूज करते हैं, लोअर थर्ड जिसे कहा जाता है, तो लोअर थर्ड भी रेडीमेड बहुत सारे दिए हुए हैं, तो टाइटल प्रो 7 काफी अपडेट कर दिया गया है। प्लस मोशन ट्रैकर, ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है मोशन ट्रैकर। मोशन ट्रैकिंग ऑलरेडी एक लेवल का तो वीडियोस में काफी टाइम से आता ही है, आप किसी भी लेआउट को, मतलब लेआउटर में जाके आप किसी भी फोटो को ड्रैग करके उसके ऊपर ड्रॉ करके, या रेक्टेंगल में, एलिप्टिकल में, या पॉलीगॉन लासो टूल से आप सिलेक्शन करके फिर उसको मोशन ट्रैकिंग करवा सकते थे, लेकिन अभी इसमें दो फैसिलिटीज और एड हुई है। मोशन ट्रैकर आप अलग अलग दो मोड में करा सकते हैं, एक चेस्ट मोड में और एक एंकर मोड में। तो चेस्ट मोड में कराने से आप क्या करेंगे कि भाई कोई भी एक एक्स्ट्रा टाइटलिंग उसके साथ अगर आपको सपोर्ट करवाना है तो आप चेस्ट मोड में उसको ट्रैकिंग करा के उसी चीज को उसके साथ हैंडल कर सकते हैं। अभी अगर हम उसको यूज करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, भाई हमने किसी बंदे को ट्रैक किया, उसका ट्रैकिंग का जो की फ्रेम बना उस की फ्रेम को हम कॉपी करते हैं, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब कि दूसरा टाइटल जो हमें ऐड करना है उस टाइटल के ऊपर हम उसको अप्लाई करते हैं, फिर उस टाइटल का प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट चलेगा वो टाइटल भी उसके साथ चलता जाता है। तो इसके बदले ये चेस्ट मोड में अगर आप उसको ट्रैकिंग करेंगे तो वो प्रॉपरली प्रेजेंट। हो जाएगा। इसके अलावा एंकर मोड जो है, तो एंकर मोड ट्रैकिंग से क्या होता है कि आपका कोई सब्जेक्ट जो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है जिसको आपने शूट किया लेकिन आपका कैमरा आगे पीछे हिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट भी कैमरे के अंदर आगे पीछे प्रेजेंट करने में हिल रहा है, तो उसको अगर आपको सेंट्रलाइज करना है, सेंटर में दिखाना है,
तो आप एंकर मोड ट्रैकिंग की मदद से प्रॉपरली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स इसमें नए अपडेट हुए हैं। प्लस आप नया वर्जन किस तरह से परचेस कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल आपको EDS.net के ऊपर EDS 9 प्लस नाम के एक डिटेल दी हुई है, जिसमें कौन सी डेट से कौन सी डेट के बीच में आपने वर्जन खरीदा है तो आपको ये वर्जन फ्री मिलेगा। प्लस ये फ्री वर्जन सिर्फ EDS 9 प्रो और EDS 9 वर्क ग्रुप वालों को मिलेगा। बाकी के जो यूजर्स हैं एजुकेशनल वर्जन जो यूज कर रहे हैं, जो कि खास करके वेडिंग फील्ड के जो यूजर्स हैं, क्योंकि इंडिया में वेडिंग यूजर्स जो है वो ज्यादातर एजुकेशन वर्जन ही यूज करते हैं, तो एजुकेशनल वर्जन वालों को EDS 10 अपडेट फ्री में नहीं मिलेगा। उनको जो भी चार्ज है वो अपने रिटेलर से कम्युनिकेट करके आप उसका चार्ज जान के वो वर्जन परचेस कर सकते हैं।